फ्रेंड्स, मैं बुसरा कुरैशी। मैंने ये बजरीज आपसे पहले वीडियो में से लेकर आई थी, तब शेयर किए थे और अभी फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अंदर ये डाला है थोड़ा सा कोथमीर, थोड़ा सा फुदीना और छोटी मेथी की जो गड़ी आती है उसके कुछ तिनके डाले हुए हैं देखिए। और इनको बहुत पसंद है ये। इतने दिनों में मैंने ये जाना है फ्रेंड कि इनको पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, पुदीने के पत्ते और डाली और कोथमीर ये बहुत पसंद है। चना, मूंग, कठोर ये बहुत पसंद है और ये बड़े शौक से खाते हैं। साथ में ये देखिए, ये बैठे हैं यहाँ पे, मैंने एक बजरी रखी है और कभी कभी मैं नीचे बाजरी भी डालती हूँ कटोरी में। और मैं इनके जो पानी का ये कटोरी है इसे वॉश कर देती हूँ रोज़। और ये अंदर नहाते रहते हैं, अभी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है इसलिए अंदर नहाते रहते हैं, तो पानी गंदा हो जाता है और वही पानी ये पियेंगे तो ये बीमार होकर मर जाएंगे, इसलिए मैं इसे रोज़ साफ करती रहती हूँ फ्रेंड। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसी के नीचे न्यूज़पेपर बिछा दिया है और जैसे ही मैं इसको निकालती हूँ न्यूज़पेपर चेंज कर देती हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि ये बहुत गंदा हो चुका है, अभी इतना गंदा नहीं है, देखिए क्लीन जगह एकदम, तो मैं इसे भी वॉश कर देती हूँ। इसमें से मैंने जाना है कि तीन फीमेल है और तीन मेल है। जो आप ये देख रहे हो आसमानी कलर का, ये मेल है और ये ग्रीन कलर का जो है ये फीमेल है। इसी तरह मैंने यहाँ पे जाना है कि इस तरह तीन अंदर मेल और फीमेल है। जो फीमेल होती है उसकी वो साइज़ में बड़ी होती है और जो मेल होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं। और अभी तक इन्होंने कोई एग्स नहीं प्रोवाइड किए हैं पर जल्द कर लेंगे। ये अभी ककड़ी और दूसरी चीज़ें नहीं खा रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि शायद इनको ये मैच्योर लेके आई हूँ मैं, तो आदत नहीं है कोई और चीज़ खाने की। और जो खा मैं डालती हूँ उसमें ककड़ी और मूली के पत्ते नहीं खाते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। और ये पत्ते वाली चीज़ें तो ये शौक से खाते, देखिए ये सब टूट पड़े हैं खाने के लिए। और ये शाम तक भी ये खाते रहेंगे खाते रहेंगे। और जो इनसे नहीं खाएगी इसकी जो जालियाँ हैं वो छोड़ देंगे। तो मैं शाम को इसे क्लीन कर देती हूँ ताकि नीचे इसके ऊपर मच्छर ना आए। तो अभी ये शाम तक इसको इसी तरह खाते रहेंगे और डाली से रस चूसते रहेंगे। और जब इनका खाना हो जाएगा तो ये यहाँ से पानी पी के ऊपर इनकी मटकियों में जाके बैठ जाते हैं फ्रेंड। ये देखिए इनकी दो मटकियाँ लगी हुई हैं और मैंने इसमें ये लकड़ी बिछा दी है ताकि ये सारे एक साथ इकट्ठा होके ये बड़ी लकड़ी के ऊपर आके बैठ सकें। और इनको एक और गंदी आदत होती है, इनको चांच में खुजली टाइप होता है, तो इनको कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जो पूरा दिन इनकी चांच के अंदर बस ये डाल के बैठे रहें, ऐसा करते रहें। तो मैंने इसलिए यहाँ पे देखी है रोज़ का, ये रोज़ की जो झाड़ी झाड़ी जो डाली थी वो मैंने यहाँ पे लाके अंदर कप की रख दी है। जब अंदर कुछ नहीं होता, इनको भूख भी नहीं लगी होती, तो ये डाली को अपनी चांच के साथ घसते रहते हैं और चबाते रहते हैं। तो मैंने यही सोच के इसमें ये ऐड किया था। और मैं अंदर एक नमक आता है वो ऐड करना चाहती हूँ, जब मैं लाऊंगी तब आपसे शेयर करूँगी फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये बजरीज या कोई और ये बर्ड्स हैं तो आप सबसे पहले तो उनकी एज जानें, दूसरा वो मेल और फीमेल है या नहीं ये जानें, और उसके बाद इनको सही लोकेशन पे रखें क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ज़्यादा धूप इनके लिए अच्छी नहीं है क्योंकि ज़्यादा धूप में मर जाएंगे। तो आप कोई ऐसी जगह रखें जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों लगती हो, इन्हें छाए वाली जगह पे रखें और धूप भी थोड़ी आती हो। और आप इनकी एज कैसे जानेंगे, जब ये छोटे होते हैं तो इनकी आँखों पे जो ये वाइट सर्कल दिख रहे हैं आप, ये वाइट सर्कल जो बना हुआ है ये नहीं बना होता, तो वो जब मेल और फीमेल जब पता नहीं चलेगा
जब ये वाइट जो सर्कल बना हुआ है ये बना हुआ नहीं होगा, तब आपको मेल फीमेल भी पता नहीं चलेगा और उसकी एज काफ़ी कम है। ये इतना पता आप इसकी आंखों से कर सकते हैं और मेल और फीमेल का पता हम इनके चेहरों से भी चांस से भी कर सकते हैं, जो कि फीमेल होती है। देखिए ये ग्रीन कलर वाली फीमेल है, तो इसकी चांच ये देखिए, ये वाइट टाइप कलर की है और ये जो ऊपर बैठी हुई है इसकी चांच देखिए, ये देखिए ये भी फीमेल है। तो जो ये जो फीमेल है ये थोड़ी बड़ी है साइज में, ये देखिए, और ये ग्रीन वाली भी देखिए थोड़ी बड़ी है साइज में, जबकि जो मेल है ये इनकी चांच का कलर क्रीम जैसा होता है, देखिए क्रीम जैसा है। पीछे जो येलो कलर की मेल है उनका ये देखिए, और जो फीमेल है उनका वाइट होता है और इनकी आंखों पे सर्कल बन जाता है जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो आप इनको बड़े आसानी से देख के इनका आइडिया लगा सकते हैं फ्रेंड, और इनको अच्छे से गर्मियों में पानी बार बार चेंज करके रखें और पानी की कमी ना होने दें, और ये गंदा पानी करें तो आप इन्हें बार बार चेंज करें पानी को, और खाने में पालक के पत्ते कम ही दें क्योंकि पालक से इनको नुकसान हो सकता है, तो आप पालक के पत्ते कम दें। हो सके तो इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा फुदीना दें। फुदीना से क्या होता है कि ये मिंट ठंडक का काम करती है बॉडी में, तो ये बड़े शौक से खा भी लेते हैं फ्रेंड। ये देखिए कैसे खा रहे हैं ये, और ये देखिए मेथी के जो डाली है उसको भी कैसे चूस रहे हैं, देखिए फ्रेंड। इसी तरह ये शाम तक खाते रहेंगे। मैंने आज इनको चने नहीं डाले, रोज़ चने और मूंग भी मैं डालती हूँ सुबह सुबह, तो मैंने आज नहीं डाले हैं। आज मैंने ये डाला है क्योंकि मैंने कल ये नहीं डाला था सलाद, तो मैंने आज ये डाल दिया है। तो मैं ऐसा थोड़ा चेंज कर करके डालती हूँ ताकि इनको भी खाने में इंटरेस्टिंग लगे और मज़ा भी आए और इनको जो चाहिए वो मिल जाए। ये ज़्यादातर मेरे से रिक्वायरमेंट पालक के पत्तों की करते हैं, इनको पालक के पत्ते बेहद पसंद हैं, पर मैं इन्हें पालक प्रोवाइड नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहती कि बीमार हो जाए। और ये भी काफ़ी देखिए, ये भी काफ़ी शाइनी इनके जो बर्ड्स के दिख रहे हैं आप, इनके पंख बहुत शाइनी हैं, बहुत अच्छे हैं। इसकी देन है कि ये जो ग्रीन मटेरियल जो खाते हैं, और मैं इनको अंडे का चूरा देती हूँ, अंडे एग का चूरा, मतलब जो एग होता है उसको बाफ के उसके ऊपर की जो परत होती है जिसे हम फेंक देते हैं या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स में, वही मैं इसे अंडे का चूरा देती हूँ। ये सुबह सुबह बड़े शौक से कटोरी में मैं रख देती हूँ चूरा, एकदम छोटा छोटा करके, तो वो खा लेते हैं फ्रेंड। इसलिए इनके पंख बहुत अच्छे रहते हैं, और जब इनके एक से हो जाते हैं और इनके बच्चे निकलने वाले होते हैं एक से, तो मैं इनको तब चावल बिना नमक डाले बना के दे दूँगी फ्रेंड। और जब एग्स होते हैं तब उनके बेबी निकलते हैं, तब चावल बिना नमक वाले और एग्स जो बफा हुआ एग्स होता है वो उसका उसको एकदम छोटा छोटा एकदम बारीक करके इनको मैं कटोरी में रखती हूँ, तो ये अभी भी खाते हैं फ्रेंड। पर मैं इनको अभी ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ नहीं देती हूँ जिससे इनको बीमारी हो जाए। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि इनके ऐसे जो पर्ड हैं वो बने रहें, ऐसा ही ये शाइनी करते रहें और हेल्दी रहें, तो मैं इन्हें ये ग्रीनरी ज़्यादा देती हूँ फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे पर्ड्स आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।